गाइज़ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा सिद्दीकी व्लॉग्स। और मेरी बेटी का नाम है नाया। तो गाइज़ ये देख रहे हैं आप क्वेश्चन, इनके जो ये कवर अब चढ़े हुए देख रहे हैं, ये मैंने अभी सीए हैं, मेरे पास कपड़ा रखा हुआ था। तो ये मतलब ऊपर के जो क्वेश्चन का कवर चढ़ाने के लिए होता है, वो तो मैंने उस दिन सीए थे, डिज़ाइन लगा कर दिखाया था आपको। अंदर का नहीं था, अंदर का बोलते हैं अस्तर, तो वो नहीं था। तो ये खुलते जा रहे थे जो मैंने बनाए थे, अपने आप ही बनाए थे घर में, तब तो मैं दिखाई नहीं पाई थी। तो ये मैंने चारों कवर सी लिए हैं और अभी ना एक से हो गए हैं, और इनके ऊपर कवर चढ़ जाएगा और कवर जो है वो भी पूरे हो गए थे। तो मैं अब चढ़ाऊंगी आपको कवर चढ़ाने के बाद, और ये बिछाऊंगी मैं अपनी देवर की हल्दी वाले दिन। सारे कुशन वगैरह जब डेकोरेट कर लूँगी ना घर, तब दिखाऊंगी। और गाइस देखिए, इनाया की पोटी आई थी, तो इनाया खुद से जाकर बैठने लगी है पोटी पे, खुद से जाकर बैठने लगी। खुशी हो रही थी कि इनाया अपना थोड़ा थोड़ा करके काम करती जा रही है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के। सारे कुशन कवर जो हैं वो तैयार हो गए हैं और मैंने बिछा दिए हैं। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे हाथ के कुशन कवर घर में बिछे हुए कैसे लग रहे हैं। क्या है मेरा आइडिया अच्छा नहीं है कि घर में ऐसे ही तैयार कर लें? बेड की चादर ना सिकुड़ी हुई है, मतलब मुझे हमने अभी बनवाया था, तो बस इस पर मैंने इस तरह के कुशन कवर लगा। इसमें ना आपको दिखा रही हूँ गर्मी में जो दाल चावल बनते हैं खड़ी मसूर की। अब गर्मी आ गई है तो मैं बनाने जा रही हूँ राइस और दाल। तो मैं दिखाती हूँ आपको रेसिपी कि मैं कैसे बनाती हूँ ये वाली दाल, और ये बहुत टेस्टी लगती है खड़ी मसूर की दाल और चावल। तो मैं जा रही हूँ बनाने, और किसी ने मुझे कहा था भी लोगों में कि सिस आप सर ढाँप लिया करें, तो थैंक यू सिस बताने के लिए। वैसे मैं सर ढक लेती हूँ, लेकिन वो ऐसा होता था ना जैसे बच्चे के साथ काम करती रहती थी तो दुपट्टा नहीं होता था, तो ऐसी व्लॉगिंग कर ली जल्दी से। बच्चों के साथ मैं व्लॉगिंग बहुत मुश्किल से कर पाती हूँ, तो इसलिए देखिए मैंने सर पर पट्टा रख लिया है। बताएं कमेंट में कैसी लग रही हूँ मैं सर पे दुपट्टा रखने के बाद। तो दिखाती हूँ रेसिपी। तो गाइस देखिए, मैंने इस भगोने में दाल को ले लिया है, इसको अच्छे से वॉश करेंगे और वॉश करके इसमें पानी कर देंगे। और ये मैंने हरी मिर्च ली है और ये टमाटर, इसको धो लेंगे अच्छे से। फिर धोने के बाद ना दाल में पानी, दाल को कुकर में कर लेंगे। मैं कुकर में बना रही हूँ क्योंकि कुकर में अच्छी सी बन जाती है, जल्दी भी बन जाती है, बच्चों के साथ में टाइम नहीं लेती ज़्यादा। इस दाल को वॉश करके लाती हूँ मैं। तो मैंने इनको टमाटर हरी मिर्च को अच्छे से वॉश कर लिया है और दाल को भी वॉश करके इसमें पानी ले लिया है। तो पहले इसमें डालेंगे हल्दी, मिर्च और नमक। तो हल्दी का डब्बा ले लिया है मैंने, मिर्च का ले लिया है और नमक, ये रहा नमक का, तो ये डाल देंगे पहले। तो ये देखिए मैंने इसमें हरी मिर्च, टमाटर, हल्दी, मिर्च, नमक सारी चीज़ें डाल दी हैं। और अब मैं इसका कुकर का ढक्कन लगा कर इसको पकने रख दूँगी। तो गाइस सिंपल सी रेसिपी है, आप भी ट्राई कर सकते हैं, ये वाले दाल चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइस इसमें ना लहसुन प्याज का पेस्ट आप चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता इसमें ज़्यादा डला हुआ है। दाल वैसे ही बनी हुई बहुत अच्छी लगती है टमाटर हरी मिर्च और हल्दी नमक मिर्च से। तो इसमें मैंने एक चम्मच भर के हल्दी डाली है और आधे चम्मच से ज़्यादा लाल मिर्च, क्योंकि इसमें सही मिर्च अच्छी लगती है, और हरी और टमाटर। तो अब इसको तेज फ्लेम पर रखेंगे शुरू में, फिर कम फ्लेम कर देंगे। तो मैं गैस पर रख रही हूँ। देखिए मैंने गैस पर जो है ना पकने के लिए इसको रख दिया है कुकर में, और अब मैं जो है ना इसमें कूड़ने में राइस भिगो देती हूँ। तो गाइस मैंने राइस भिगो दिया है इसमें कुंडे में, जब ये फूल जाएंगे ना फिर इनको दोबारा से वॉश करके मैं दूसरे कुकर में पकने के लिए रख दूँगी। तो तब तक के लिए हम चले जाते हैं किचन में से और देखती हूँ बाहर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए रूम में जो है ना माहिरा सो गई है, और देखिए रूम कितना फैला हुआ है। ये देखिए वहाँ पर बॉल है और यहाँ इधर उधर शूज़ हैं, और यहाँ माहिरा ने कपड़े भी डाल दिए थे, उधर चिप्स का पैकेट है, मतलब ऐसे ही गंदा कर देती हैं दोनों। तो गाइज़ यहाँ कुकर में सीटी आ रही हैं, चावल तो बन गए, और अब जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ मेरी दाल भी बन गई है। चावल का गैस बंद कर देते हैं
गाइस सैलेड जो है ना, मैंने जो घर में रखा हुआ था उससे ही बना ली। तो ये मैंने प्याज और हरी मिर्च काट ली है, वो प्याज और सोरे टमाटर काट लिया है सैलेड में दाल चावल के साथ में। और दाल तो मैंने आपको दिखाई दी है कि तैयार हो गई है, मैंने यहाँ पर ढक के रखी हुई, लाइट चली गई है और अब हम खाने वाले हैं थोड़ी देर के बाद खाना। यहाँ पर खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। तो ये मैंने सैलेड बनाई थी, मूली का अचार लिया है और ये हरी मिर्च का अचार है और ये दाल चावल जो है ना हम खा रहे हैं। में बादाम भी खो दिए हैं सुबह में खाने के लिए, तो इनको ना सुबह में खा लेते हैं ऐसे छील कर। तो फिर इनसे के बाबा आ गए हैं, दोनों बाबा को कैसे चिपटी रहती हैं और खेल रही हैं दोनों बाबा के पास में अपने। और इनाया देखिए कैसे बड़ों की तरह दुपट्टा ओढ़े हुए इनाया अच्छी लग रही है आज बहुत ज़्यादा। इनाया को सजने का संवरने का बहुत शौक है गाइस, अल्लाह इसको चला दे ताकि ये हमेशा खुश रहे।